एसएससी ने चार पेपरों के मेंस का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अंदर सीजीएल 2023, सीएचएसएल 2023, जेई 2023 और सीपीओ 2023 इंक्लूड है। इस बार दोस्तों एक्सपेक्टेड ये था कि वैकेंसी 7,500 हैं और सीजीएल 2023 का मेंस का पेपर एक ही दिन में निपट जाएगा, लेकिन तारीख दोस्तों आपको 3 दे रखी है, और यानी कि एक दिन डब्ल्यूजेएसओ का पेपर और 2 दिन दोस्तों और आपका नॉर्मल पेपर होगा। ठीक है, तो क्या वैकेंसी इंक्रीज हो रही है या क्या कुछ है दोस्तों, विस्तार से डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके और वैकेंसी दोस्तों अब कट ऑफ में क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है वो चीज भी दोस्तों लास्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात दोस्तों, सीजीएल पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि सीपीओ का, सीपीओ 2023 का टीयर 1 का पेपर आपका 3 से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में है। ठीक है, और इसका आपका मेंस जो है सीपीओ का, ये है आपका 22 दिसंबर 2023 को, यानी कि बीच में क्या है, सिर्फ एक नवंबर का मंथ है, उसके अगले महीने फिर मेंस का पेपर है। तो इसके बीच में दोस्तों फिजिकल भी होना है, क्योंकि लास्ट टाइम दोस्तों आपका नवंबर 2022 के अंदर जो है टीयर 1 का पेपर हुआ था, और जब मेंस हुआ दोस्तों वो हुआ मई में जा करके, ठीक है, 2 मई को शायद जो है, 2 मई 2023 को, यानी कि करीबन 6 महीने के बाद जो है मेंस का पेपर हुआ था बीच में, क्योंकि फिजिकल भी है। टीयर 1 का रिजल्ट पहले डिक्लेयर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और फिर सीपीओ का, फिर मेंस जो का पेपर जो आपका होगा, यानी कि इस तरह से प्रोसेस है ये। तो इस बार दोस्तों क्या इन्होंने एक ही महीने में यानी कि सब कुछ करवा लेंगे, एक बार फिर से दोस्तों मैं नोटिफिकेशन देखूंगा कि कहीं उसमें कुछ चेंज तो नहीं आया है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड आपको सीपीओ 2023 का मेंस का पेपर बताया था पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए मार्च 2024 के अंदर, जो कि अब होने जा रहा दिसंबर 2023 के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक बार नोटिफिकेशन देखेंगे क्या कुछ कहीं उसमें कोई चेंज तो नहीं है, वो मैं दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि 22 दिसंबर 2023 को आपका सीपीओ 2023 का मेंस होने जा रहा है। ठीक है, ये दोस्तों कंप्लीट जो है शेड्यूल है फरवरी 2024 तक का। ठीक है, ये दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, यहां पर दोस्तों मैंने ये भी डाल रखा है, ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं सारे पेपर हैं। ठीक है, आपको कुछ मतलब सीएचएसएल का है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023, जहां पर 30,000 प्लस मेंबर भी अपने साथ जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीजीएल की। आप देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब 2019 से या 2019 से इससे पहले भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हुआ था। ठीक है, यानी कि दो दो तीन तीन शिफ्ट में पेपर हुए थे, और उस नॉर्मलाइजेशन पे केस भी हुआ था, और बाद में जो कैंडिडेट हार गए थे एसएससी जीत गई थी। ठीक है, तो उन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है 2019 वालों को। तो फिर दोस्तों क्या हुआ कि आगे से भाई हम जो है मेंस लेंगे एक ही शिफ्ट में। फिर 2020 का पेपर दोस्तों 1,15,000 के करीब एक ही दिन में करवाया गया। फिर 2021 का पेपर भी 1,13,000 लगभग एक ही, यानी कि एक ही दिन में करवाया गया। फिर दोस्तों 2022 आ गया सीजीएल का, फिर क्योंकि कैंडिडेट उसमें वैकेंसी 36,000 आ गई, तो एक ही शिफ्ट में करवाना पॉसिबल नहीं था, तो उस एग्जाम्स को 3,60,000 कैंडिडेट पास हुए, तो उस एग्जाम को दोस्तों पास करवाया गया 4 शिफ्ट में। ठीक है, 4 डे में, यानी कि एक दिन में दोस्तों कितने 90,000 कैंडिडेट का जो है पेपर लिया गया। इससे पहले दोस्तों कैपेसिटी अगर मैं मानूं तो कितनी कितनी थी, लगभग 1,15,000 1,13,000 की कैपेसिटी है, एसएससी की कैपेसिटी इतनी है कि 1,15,000-20,000 कैंडिडेट को वो एक साथ पेपर करवा सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों पुराना सिनेरियो है। इस बार दोस्तों आपका क्या है कि 25 देख लेते हैं फिर से क्या डेट है, 25, 26 और 27। ठीक है, 25, 26 और 27 को आपका पेपर होने जा रहा है, और मैंने भी दोस्तों एक्सपेक्टेशन किया था आपका कि 15 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आपका मेंस का पेपर होगा, ये मैंने एक्सपेक्टेड आपको लोगों को बता भी दिया था पहले ही। ठीक है, तो 25, 26, 27 में तो दोस्तों एक दिन तो आप निकाल दो जेएसओ और डब्ल्यू का पेपर के लिए, बच गए दोस्तों 2 दिन, 2 डेज। ठीक है, यानी कि 90,000 तो दोस्तों मिनिमम मुझे लगता कि लेंगे, यानी कि अगर लगे 1,80,000 कैंडिडेट का पेपर
दो दिन में दोस्तों अगर मेंस का पेपर ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सीजीएल 2022 के ट्रेंड्स के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो दोस्तों ये जो है 2 दिन में 1,80,000, तो दोस्तों 7,500 वैकेंसी को तो इतने ज्यादा तो बुलाएंगे नहीं, इतने ज्यादा नहीं बुलाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैकेंसी है दोस्तों वो 100% बढ़नेगी, ठीक है, 100% इंक्रीज मतलब हो चुकी है, 100% इंक्रीज हो चुकी है, और वो जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है जो मुझे लगता है वो जो पीएसए की वैकेंसी दोस्तों वो 7,500 के बाद इंक्लूड होंगी। सीएचएसएल का जो ट्रेंड रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, 3 से लेकर 4,000 तक सीएचएसएल के अंदर पीएसए की वैकेंसी हर बार आया करती थी, सीजीएल और 22 में 20,000 वैकेंसी एक साथ जोड़ी गई, अब सीजीएल 2023 के अंदर भी दोस्तों यानी कि 3-4 हजार तो बहुत नॉर्मल केस में है, ठीक है, वेरी नॉर्मल केस में है, तो यानी कि दोस्तों आपकी वैकेंसी 10,000 प्लस तो दोस्तों मुझे जहां लग तक है कि पेपर भी दोस्तों 2 दिन लिया जा रहा है तो वो ऐसे तो करेंगे नहीं कि 50-50 हजार का ले लें, ठीक है, पहले वैसे हो चुका कि 50,000 का मैंने पेपर ले लिया, लेकिन अब व्यवस्था थोड़ी ठीक हो गई है तो इतनी कैपेसिटी जो है क्योंकि लैब वगैरह भी जो है पहले की बजाय इंक्रीज हो गई है, क्योंकि उस टाइम क्या होता था जैसे शायद 2018 में 1.5 लाख के आसपास पास हुए थे 50, उस टाइम लैब की कमी होती थी क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज के दिन ऑनलाइन लैब बहुत खुल चुकी हैं, तो ऐसा नहीं करेगी एसएससी कि 50-50 हजार का ले लिया कि 1 लाख बनने, नहीं ऐसा मुझे दोस्तों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा। अभी मैं आपको बताऊं एमटीएस 2023 का पेपर है, 26 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है और 27 उसके अंदर जो है शिफ्ट बनाई है, 27 शिफ्ट बनाई है, यानी कि लगभग दोस्तों 1 लाख के करीब जो है एसएससी की कैपेसिटी आराम से है, तो यानी कि मिनिमम 90,000 तो है ही है, 1,80,000 दोस्तों कैंडिडेट को अगर बुला रहे हैं तो आप मान के चले अगर 10 गुना बुलाएंगे तो 18,000 वैकेंसी हो गई, ठीक है, अगर 10 गुना बुलाएंगे, अगर मान लिया 15 गुना बुलाएंगे तब भी दोस्तों कितनी बनेगी 12,000 वैकेंसी, ठीक है, 15 गुना से ज्यादा दोस्तों एसएससी नहीं बुलाएगी, ठीक है, तो यानी कि मेरा दोस्तों अभी लेकिन मैं जो मेरा मन कह रहा दिल कह रहा है कि 10,000 प्लस वैकेंसी तो दोस्तों होंगी इसी 2023 के अंदर, ठीक है, 10,000 प्लस हो सकता है ये 15 हो जाएं, ठीक है भाई 18,000 भी हो जाएं, 14,000 हो रह जाएं, 13,000 रह जाएं, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। अभी आरटीआई का दोस्तों मैं दोबारा से चालू कर दूंगा आरटीआई लगाना, क्योंकि बीच में रोक दी थी आरटीआई, आपको भी दिख रहा होगा कि आरटीआई नहीं लगाई गई थी, तो अब दोस्तों दोबारा से मैं आरटीआई लगाऊंगा और फिर लेटेस्ट जो है आपको सारी चीजें बताऊंगा और हर चीज दोस्तों आपको ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023 के ऊपर मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, ये मैंने कट ऑफ बताई थी दोस्तों आपको 1 अगस्त 2023 को, ठीक है, और मैंने ये कट ऑफ बताई दोस्तों 142-43, ठीक है, 142-43 यानी कि ये एक मिनी एनालिसिस के अंदर जो है मैंने आपको बता दिया था 1 अगस्त को। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मैंने कट ऑफ में कहीं बाहर चला गया और कट ऑफ दोस्तों नहीं बना पाया, यानी कि मैंने कट ऑफ थोड़ी सी लेट बनाई। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया कि 4 अगस्त को ही मैंने जो है जो बता दिया था यहां पर 4 अगस्त को कि भाई जो है आपके मार्क्स यानी कि एक्चुअल रैंक एक्सपेक्टेड इतना है, कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 143 प्लस माइनस 4 ये इतनी हो सकती है, ठीक है, इतनी हो सकती है, ये मैंने दोस्तों बता दिया था। तो यहां पर दोस्तों हुआ क्या, ये होने के बाद दोस्तों उसके बाद 5 अगस्त को शुभम जैन सर जो कि वेरी रिस्पेक्टेबल वो हैं, तो इन्होंने दोस्तों ये कट ऑफ यहां पर बना दी, ठीक है, ये कट ऑफ बना दी 5 अगस्त को। ये दोस्तों मैं ऑलरेडी 4 अगस्त को जो है बता चुका कि कट ऑफ दोस्तों इतनी जाएगी, उससे पहले 1 अगस्त को भी बता चुका कि 142-43 यहां के आसपास चल रहा है मामला, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया कि भाई थोड़ा सा एनालिसिस करके और टाइम लगते मैं अब आपको बता दूंगा। तो यानी कि एक दिन पहले मैंने आपको चीजें ये बता दी, 5 अगस्त को दोस्तों इन्होंने बता दी। अब कैंडिडेट ने करना कि सर आपने तो जो है कॉपी कर दी, फिर मैंने दोस्तों कट ऑफ बनाई थी अभी 4 दिन पहले, ठीक है, क्योंकि अभी शायद 12-13 अगस्त को बनाई होगी, तो यानी कि आपने तो सर उनकी कॉपी कर ली। भाई कॉपी कहाँ से कर ली यार, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा बता समझा करो और देखा करो, ठीक है, कि क्या बता रहे हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें यार मुझे पहले भी मैं एक बार बता चुका,
फिर दोबारा फिर मेरे को बताने की अब जरूरत पड़ी है, क्योंकि कैंडिडेट दोस्तों, क्योंकि आपको भी बताना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों चीजें हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आपकी, ये कट ऑफ दोस्तों मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई थी। अब मैं आपको रॉ स्कोर की अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को तैयारी जो है कितने नंबर वाले को कर लेनी चाहिए मेंस की, तो दोस्तों 120 प्लस जिसके भी नंबर हैं वो तैयारी कर ले, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वो अपनी तैयारी अच्छे से कर ले भाई। एससी के दोस्तों 100 प्लस और एसटी में 85 प्लस, ये रॉ स्कोर की बात है। और ये कट ऑफ बताई गई है, ये कौन सी बताई गई दोस्तों, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, यानी कि जो नंबर इंक्रीज होने के बाद, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जैसे कि वैकेंसी इंक्रीज हो रही है उसके बेस पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उसके बेस पे दोस्तों एक चीज ये है कि आपकी ये जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है ये भी आपकी कम हो जाएगी। ये हो सकता है दोस्तों कि 5 से 7 नंबर कम हो जाए, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 5 से 7 नंबर कम, और एससी और एसटी की दोस्तों 10 नंबर तक कम हो सकती है ये वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद। और ये वैकेंसी दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। बाकी एसएससी ऑफिशियल वैकेंसी डिक्लेयर कब करेगी, जब टीयर वन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जब एसएससी का टीयर वन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अपनी पढ़ाई पर जो है जी जान लगा दो, आपके सभी एग्जाम्स जो है आ रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नो का भी पेपर है दोस्तों 12-13 अक्टूबर को, इसके बारे में प्रैक्टिस सेट की बुक बता देता हूं आपको एक बार, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के लिए बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसके अंदर 7 सोल्ड पेपर और 10 प्रैक्टिस सेट, लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। अगर इस बुक का थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले सोल्ड पेपर दे रखे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये जो है स्टार्ट हो जाता है आपके जो पुराने क्वेश्चन पेपर आए हुए 17/11/2022 को ये आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, तो ये आप देखेंगे इस तरह से सभी क्वेश्चन के जो है ऑप्शन दे रखे हैं। और जैसे दोस्तों ये 200 के 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके, उसके तुरंत बाद जो है आपका इसका जो है इनके आंसर की दे रखी है। आंसर की देने के बाद दोस्तों, यानी कि आंसर की से आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो डिटेल्ड के अंदर इसका सॉल्यूशन भी इन्होंने दोस्तों दे रखा है सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो इस बुक को दोस्तों आपको लेने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आपको जो है ये डायरेक्टली परचेज आप जो इस बुक को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जीके के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, इंग्लिश के भी सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन दिए हुए। तो अपने दोस्तों तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर लें, और जो भी अपडेट्स आएंगी वैकेंसी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, वो आपको ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023 के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको एसएससी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी आपसे न छूटे, ठीक है। और सीजीएल और 23 की मेंस की एक्सपेक्टेड दोस्तों अब कट ऑफ क्या कुछ रह सकती, कितना कुछ आपको टारगेट स्कोर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो अब कट ऑफ के चक्कर में न पड़ के अपने मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं कि बस उनको मेंस के अच्छे से अच्छे फोकस करना है और बढ़िया नौकरी लेनी है, इंस्पेक्टर बन के जाना है, ठीक है। वो इस चक्कर में अब नहीं पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको भी सलाह यही देता हूँ, आप जबरदस्त तरीके से अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।